तो लीजिए जी, मुंबई इंडियंस की गाड़ी जिसकी शुरुआत हुई थी पटरी से बिल्कुल उतर कर, वो गाड़ी अब दोबारा पटरी पर चढ़ चुकी है और बिल्कुल वंदे भारत के समान अभी तक तो दौड़ रही है, क्योंकि आज जिस तरह से मुंबई इंडियंस ने अपनी रन चेस की है वहां तक तो भाई आप कह सकते हैं कि एक विमान की जिस तरह वो रनवे पर जिस तेजी से दौड़ता है वैसे ही मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन और रोहित शर्मा के साथ दौड़ लगाते हुए अपनी दूसरी लगातार जीत अर्जित की है और पॉइंट्स टेबल में अब इन्होंने पंजाब को भी नीचे धकेलते हुए एक और स्थान अपना ऊपर कर लिया है। नंबर 7 पर आ गई मुंबई इंडियंस, 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 हारे हैं और -0.07 काफी इनका बेहतर अब नेट रन रेट हो चुका है जो बड़ी बड़ी हारों के बाद इनका काफी ज्यादा खराब हो गया था। तो वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इनको कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है, जहां पर थे वहीं पर है, 9वें पर थे 9वें पर ही है, लेकिन हार एक और हो गई है। 6 मैचेस खेलने वाली ये पहली दूसरी टीम है जिसने 5 मैचेस अपने हारे हैं, उसमें पहली टीम है। बट अगर देखा जाए आरसीबी की जर्नी इसी के साथ काफी ज्यादा कम चांसेस खत्म है, आपके पास 8 मैच हैं, 8 में से आपको 8 ही जीतने हैं। अगर आप 7 जीत लो कंफर्म क्वालिफाई, 7 में नेट रन रेट बेहतर चाहिए होगी आपको, बिकॉज विद 8 wins and 16 points 8 में 7 जीतने हैं, 8 में 7 जीतने कम से कम, 8 में 7 कम से कम 7 में फिर बेहतर नेट रन रेट भी होनी चाहिए और अगर आपको बिल्कुल कंफर्म क्वालिफिकेशन चाहिए तो यहां से बचे हुए हर एक मैच को आप जीते उसमें एक ना जीतने की, अगले 3 मैचेस में से इन्होंने 2 एसआरएच से खेलने, 1 केकेआर से खेलने और मैं कहता हूं अगले ही मैच में इनका सब जीत रहे हैं, 8 में 8 जीतेंगे हम। बट प्रियांशु लाना था आपसे बात नहीं करनी, मुश्किल है भाई। नितिन, मुंबई इंडियंस के बारे में क्या कहोगे, बिकॉज अब जो है वो गाड़ी दोबारा पटरी पर आई है, 2 लगातार जीत, सबसे बेहतर मेरे हिसाब से इनके लिए नेट रन रेट वाला सेक्शन हो गया, बिकॉज बहुत ज्यादा खराब थी जो एक समय पर, अब वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव आ गई। नहीं बिल्कुल, आज इसी माइंड सेट के साथ आए थे और देखो उन्होंने पकड़ा कि आरसीबी की बोलिंग है भले ही 200 है लेकिन है आरसीबी की बोलिंग, कर सकते हैं 15 ओवर में चेज और वही एक माइंड सेट लेकर आए, शुरू से ही मारना धोना चालू रखा मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स ने और अब देखो धीरे धीरे ऊपर आ रहे, 2 ही जीत हुए हैं, नंबर 8-9 पर थे, 9 पर थे मेरे ख्याल से, 10वें पर भी रहे, 10वें पर भी रहे, 2 ही जीते हैं मैच और सीधे 10 से 7 पर आ गए। तो आप ये देखिए कि प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं ना कि एक एक पायदान नहीं, दो दो पायदान ऊपर आ रहे हैं। और मान लो अगला मैच एमआई का सीएसके से, सीएसके को हरा दिया, 6 पॉइंट के साथ टॉप 4 के आसपास पहुंच जाएंगे, बराबर पॉइंट्स हो जाएंगे, सीएसके के साथ बराबर हो जाएंगे और नेट रन रेट भी हो सकता है सीएसके एसआरएच जीटी के साथ बराबर हो जाएगा बिल्कुल। तो भाई मुंबई ऑन ट्रैक हो चुकी है, थोड़ी बहुत कंसर्न जरूर है बट धीरे 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 आप देखेंगे। एक और पॉजिटिव एमआई के लिए ये है कि हालांकि वो 7वें नंबर पे है, नेट रन रेट उनकी 6ठे नंबर पे है, जीटी से बेटर नेट रन रेट एमआई की है। तो जीटी के 6 मैच हुए हैं, 3 मैच जीते हैं, अगर एमआई अगला मैच सीएसके से जीत गई तो सीएसके जीटी और एमआई तीनों 6 में 3 मैच जीती होंगी और जीटी से ऊपर एमआई आ जाएगी। और वहीं कहीं अगर एसआरएच ने हार दिया अपना मैच तो और एमआई को अब भाई क्योंकि कम डिफरेंस रह गया है नेट रन रेट में, आप देखो ऑलमोस्ट पॉजिटिव में आ चुका है एमआई, तो साथ में एसआरएच की नेट रन रेट, सीएसके की नेट रन रेट इतनी दूर नहीं है, इवन एलएसजी की नेट रन रेट इतनी दूर नहीं। हाँ, जो ऊपर वाले हैं लेट्स से राजस्थान रॉयल्स या केकेआर स्पेसिफिकली, इनकी नेट रन रेट बहुत ज्यादा है। तो अगर नीचे से टॉप 4 में कोई जगह बना सकती है टीम, पहले भी हमने ये बोला था आज भी बोला, बिकॉज इस टीम का इतिहास रहा है कि नीचे से हारने शुरू में स्लो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ये लोग जो है ना जगते हैं, एकदम से जगते हैं, इनका मोमेंटम आता है। और देखो फर्क तो इस टीम को कोई नहीं पड़ा, रोहित शर्मा कप्तान थे, हार्दिक पांड्या कप्तान हो गए, सेम ओल्ड हैबिट्स, वही चीज हो रही है। रोहित के अंडर भी ये होता था कि धीरे धीरे इनका मीटर ऑन होता था, धीरे धीरे चलती थी गाड़ी, उसके बाद जीते थे, हार्दिक के अंडर भी वही हो रहा है। तो हार्दिक को जितना हेट मिला मेरे ख्याल से जबरदस्ती था वो, जीटी के लिए भी ये भाई वो भी जीत चुके हैं, देखो कॉम्पिटिशन तगड़ा होगा। अगर एमआई को ये लग रहा है कि भाई 5 में से 2 जीत गए हम पहुंच गए, नहीं लॉन्ग वे टू गो भाई, अभी आप अभी भी सच्चाई वाली ईमानदारी वाली बात यही है कि आप 7वें नंबर पे हैं और अब आपने अगले मैच के बाद सारे मैच वानखेड़े से बाहर खेलने, वानखेड़े में तो बिल्कुल फ्लैट पिच बना दिया आपने, रन फेस्ट कि टॉस जीत लो और मैच जीत लो, लेकिन यहाँ पे बाहर जाके आपको जब आरआर, केकेआर, एलएसजी, सीएसके, एसआरएच ये टीम्स मिलेंगी तो आपको कंपटीशन मिलेगा। और आरआर ने तो इनको घर पे भी आके हरा दिया यहाँ पे, लेकिन तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट मैच है सीएसके वर्सेस एमआई, वहां पे इनका दूध का दूध पानी का पानी होगा। अच्छा। लेकिन ऊपर वाली टीम्स को भी ना थोड़ा सा ये हो जाना चाहिए कि आरआर को, केकेआर को, एलएसजी को ये देखना चाहिए हमने मैच हारने नहीं, हम अगर हार गए तो ये एमआई बहुत जल्दी से ऊपर आके पोजीशन। अच्छा एक चीज बताऊं, एमआई के जो अगले मैचेस है ना, सीएसके है चलो स्ट्रॉन्ग मैच है, लेकिन उसके बाद पंजाब, पंजाब, आरआर, दिल्ली,
दिल्ली ने पिछला मैच आपको ऑलमोस्ट हरा दिया, वो भी अपने बेस्ट प्लेयर्स के बिना, मुकेश कुमार के बिना, कुलदीप यादव के बिना, मिच मार्श के बिना, आपको ऑलमोस्ट मैच हरा दिया। तो आप ये सोच रहे आसान मैच है, आसान मैच इस लीग में कोई भी नहीं है। सुन लीजिए, आपने बताया सीएसके टफ मैच, टॉप फोर की टीम है, उसके बाद आपने बताया पंजाब, पंजाब अभी आपसे एक नीचे चल रही है, बराबरी मैच जीती हुई, पंजाब भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है नेट रन रेट के मामले में भी, ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि हलवा मैच है। फिर नेक्स्ट मैच आरआर, कल के बाद, उसके बाद, उसके बाद टेबल टॉप पर आरआर, दो मैच तो आपको बता दिए यहीं पर कि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होंगे। चौथा बोल रहे दिल्ली, तो देख लेंगे भाई कितना आसान कितना मुश्किल है। मैं तो ये देखना चाहता हूँ भाई आरआर के लिए यहाँ पर कौन से मैचेस आगे आने वाले हैं, बिकॉज आरआर के लिए अगर टफ रोस्टर है, केकेआर के लिए टफ रोस्टर है, बिकॉज आरआर भी हारा मैच, केकेआर भी मैच हारा है। देखो तो टॉप वाली टीम्स को देखना है, एलएसजी, केकेआर, आरआर, बिकॉज इनमें से कोई नीचे आता है कि नहीं। देखो सीएसके एमआई का इतिहास है कि प्लेऑफ में पहुंचते भी हैं, चैंपियनशिप जीतते भी हैं, और ज्यादातर इन दोनों के बीच में रहता है, या सीएसके जीतती है, एमआई जीतती है, तो इनमें इनको छोड़ दो, एलएसजी, केकेआर, आरआर, इनमें से कौन नीचे जा रहा है ये बता दो। पांच, ये क्या हो रहा है, सीएसके एमआई डिफेंडिंग चैंपियन, दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपे छुपे, ये दिल टूटा हुआ। आगे आ जाइए, किसी ने कल सुपर चैट भेजी किसी ने भी यार, कि पांडे भाई, नितिन भाई, आप एक काम करो, आपस की टीमों को सपोर्ट करो और बाकियों को हराते चले, क्या फर्क पड़ता है, आप दोनों नहीं खेलना।